भाई साहब गर्मी आ चुकी है बहुत ज्यादा। पिछले साल का हमारा एक कूलर पड़ा हुआ था, मैंने कहा जरा इसको लेके जाता हूँ और इसको सेट करवा के लाता हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन इसका जो मोटर है ना अंदर, जो पानी ऊपर डालती है और यहाँ से पानी निकल के फिर ये ठंडा होता है, वो काम नहीं कर रही। और एक दो मसले भी हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको मैं लेके जाता हूँ बाजार, इसको करवा के लाता हूँ सेट। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है हैदरान, आप देख रहे हो दनान शहजाद यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार वीडियो। इसको मैंने सही तरह से बांधा नहीं है, सिंगर रस्सी अल्लाह करे बाजार तक पहुंच जाए। ओए होए होए होए, वो गरम है, वो बड़ा बाइक धूप में खड़ा था। अच्छा ये जी शॉप जहाँ से मैंने इसको ठीक करवाना है, ये सप्लाई भी साथ ले आया था, इसी से चलता है। ये कूलर का मसला पता चल चुका है, ये सप्लाई ख़राब है और दूसरा ये वाली एक मोटर ख़राब है, दोनों चीज़ें नहीं डलेगी। ये इसकी कोई वारंटी शंटी थी या कोई नहीं? ये कार जहाँ दो दड़े भी ना चला यार, सारी मेहनत जाया, फायदा क्या है भाई? 2000 रुपया बिल बना है थोड़े से काम का, सारी पैसे चाहिए मेहरबानी। चलो जी इसको लेके निकलते हैं अभी घर। अल्हम्दुलिल्लाह कूलर अपना ठीक हो चुका है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा बना, 500 तकरीबन 700 रुपया मैंने कल लगाया था और 2000 रुपये आज, मतलब 3000 रुपया मेरा लग गया कूलर पे। शायद अब गर्मी दूर हो जाए, अब तो वैसे भी गर्मी दूर हो गई है, 3000 रुपया लग गया है ना मेरा। अभी घर जाके इसको टेस्ट करते हैं कि चलता है कि नहीं। कूलर मैंने घर पे छोड़ा था, उसको मैंने चेक किया है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, अल्लाह करे चलता ही रहे। पहले एक दो बार ठीक कराया था तो उसकी मोटर ख़राब हो गई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरा दिन है सही चल रहा है। तो भाई साहब अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे एक अजीज़ दोस्त ने दी है दावत। असल में वो जो मेला है ना सर जलाल खान, उस सिलसिले में ये हर साल जो है ना देते होते हैं देगें चावल वगैरह, हर साल मेले की खुशी में देते होते हैं, तो इस साल भी उन्होंने ये देगें वगैरह देनी है, तो आज वहाँ पे दावत दी हुई है उसने मुझे। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चल के दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ पका होगा और खाने में क्या कुछ सिस्टम होगा, क्या कुछ सिनेरियो है, सारा कुछ आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। चलते हैं आप भी साथ लोग, चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या माहौल है वहाँ का, दावत खा के आते हैं। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया है, शाम के तकरीबन 4 हो चुके हैं अभी, और इस टाइम टेम्परेचर 40 से ऊपर है, मतलब 40 से ऊपर इस टाइम टेम्परेचर है, इतनी गर्मी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करे क्या बनेगा, अभी तो जून जुलाई आया ही नहीं है, ये तो मई का महीना है, जून जुलाई में क्या हाल होगा, अल्लाह माफ़ करे। बड़ा रश है वे, काफ़ी रश है यहाँ पे, बाइक किधर खड़ा करूँ, थोड़ा सा लेट हो गया पर खैर है कोई बात नहीं, खाना तो मिल ही जाएगा। दोपहर 10 टेस्टी आवे मजे न बने। हलवा बैठ जोरा बना शुरू कर दिया उसने।
हां ना उधर पल्ली साइड खुला है यार पल्ली से पल्ला खुला है जी खोल सेटा ने हां पल्ली वो तो जाओ भाई थोड़ा रूम बाओ थोड़ा बाओ रूम कैसा हां उधर खोल यार चलो इधर बैठ पा जाओ खाली प्लेट छोड़ दिया अच्छा अंदर जगह है अंदर चलो सरकार खाई रहे अलविदा करो संगी गुड हो गया उत्थै पहुंची है। हाँ जी भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत खा के मैं वापस आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, मोटा गोश्त था और साथ में हलवा था रोटी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कौन से मेले के लिए ये सारा कुछ दिया गया है वो तो आप लोगों ने वीडियोज़ में देख लिया होगा, जो मैंने अभी पिछले दो तीन व्लॉग बनाए हैं वो सारे उसी मेले के थे। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लो, आपको खूब मज़ा आएगा, बहुत ही मज़े का मेला था। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।